दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे, ये टावर है यूनिवर्सल कंपनी का। तो दोस्तों ये पेयर में है, इसका एक वो रखा है बॉक्स। पहले ये मेन वाला हम रिपेयर करेंगे, इसका हम प्लग लगाएंगे पावर बोर्ड में। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर ये इसका इंडिकेटर जल चुका है, लेकिन इसमें ये नंबरिंग नहीं आ रही है और ना ही कुछ इसमें से आवाज़ आ रही है। इसको खोल लेते हैं और करेंगे रिपेयर। तो दोस्तों हमने इसको खोल लिया है, ये इसका मदरबोर्ड है इस तरीके का, और इसकी आईसी का नंबर है 7294। कैमरे में दिख नहीं पाएगा, दिख रहा हो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही है, फटी फटी। आईसी इसकी शॉर्ट है, हम इसकी आईसी चेंज करेंगे। तो पहले हम कोई सी भी एक आईसी निकाल लेते हैं, इसको डिसोल्ड करेंगे हम आईसी को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से डिसोल्ड कर दिया है। इस आईसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये आईसी हमने निकाल ली है, और इसके नीचे ये माइका भी लगा हुआ है ताकि हीट सिंक से एकदम शॉर्ट ना हो। तो ये दोस्तों आईसी न्यू, मैं दो आईसी लाया हूँ क्योंकि हमको दोनों चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम एक आईसी चेंज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये माइका लगा लेते हैं। अब ये आईसी लगाएंगे। तो दोस्तों हमने आईसी को सही जगह पर सेट कर दिया है, इसका हम स्क्रू भी कस देंगे। तो दोस्तों ये हमने स्क्रू इसका कस दिया है। तो अब हम इसकी सोल्डिंग भी कर देंगे। दोस्तों ये हमने सोल्डिंग इसकी कर दी है और अच्छे से इसकी सफाई भी कर लेंगे। ताकि ये शॉर्ट ना रहे कहीं पर। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे स्पीकर लगा के। ये इसका ग्राउंड वाला वायर, ये काला वाला लगाएंगे हम, और ये रेड वाला हम लगाएंगे इसके स्पीकर में। तो दोस्तों अब हम इसको चालू करके देखेंगे। ये प्लग लगाएंगे हम पावर बोर्ड में, ये लगा लिया, ऑन कर दिया हमने। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें हमिंग आएगी अगर चालू होगी तो।
ये दोस्तों आई से एकदम वर्क कर रही है। इसी प्रकार से हम ये वाली आईसी बदल लेंगे दूसरी वाली। तो दोस्तों इसका भी हम स्क्रू खोल लेते हैं। तो हमने स्क्रू खोल लिया इसका और इसको डीसोल्ड करेंगे। ये काफी सिंपल तरीका है डीसोल्ड करने का। नाम क्या बोला थे इसे हम डीसोल्ड को कर सकते हैं। दोस्तों जब तक हम इसको डीसोल्ड कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ऑल पर सेट करना ताकि आपको और वीडियो बनाने के लिए मिल सके। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको डिसोल्ड कर दिया है। अब इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आईसी हमने निकाल ली है और हम अब हम इसमें ये दोनों पुरानी है जो निकाली हुई है ये न्यू आईसी है ये लगाएंगे। तो इसका ये वाशर भी लगा लेते हैं और इसको लगाएंगे अब हम। तो दोस्तों ये माई का लगा देंगे हम। और ये आईसी अब लगाएंगे हम। तो दोस्तों अब हम इसका स्क्रू कस देंगे। तो दोस्तों ये हमने कस दिया स्क्रू। अब इसकी हम सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग हो चुकी है। एक बात का आप ध्यान रखें इसको डालने के बाद तुरंत चालू ना करें क्योंकि ये गर्म रहती है और ये खराब भी हो सकती है आईसी। इस बात का ध्यान रखें और इसको साफ जरूर कर लें आगे से में कोई शॉर्ट हो शोल्डर वायर वो हट जाएगा। दोस्तों हमने साफ कर दी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पेट्रोल ले करके और उसमें और इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से क्लीन हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वायर भी हम लगा लेंगे जो दूसरे बॉक्स के लिए जाता है। ये हम ग्राउंड वाला यहाँ ताला लगा देंगे जिस प्रकार ये लगाया था। तो ये लगा दिया हमने ग्राउंड में और ये लाल वाला स्पीकर के वायर में लगा देंगे। तो दोस्तों इसका हम पैनल खोलेंगे। इसके स्क्रू हमने खोल दिए हैं ये अलग करते हैं और इसकी ये प्लेट खोलेंगे क्योंकि ये इसकी नंबरिंग नहीं आ रही है। तो देखते हैं इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने इसकी प्लेट खोल ली है
और इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे, ये इस वाली पिन पर 5 वोल्ट आते हैं, 5 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। दोस्तों शायद ये यहाँ से बंद था, ये हो गया है चालू। दोस्तों इसको हम कस देंगे, ये पैनल है इसका। तो दोस्तों ये कस दिया हमने, अब ये प्लास्टिक भी हम कस देंगे इसकी। तो दोस्तों हमने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है और इसको सीधा रख देंगे। अब हम इसको कुछ म्यूजिक चलाएंगे इसमें। दोस्तों ये इसका इसके पैर का ये दूसरा बॉक्स है, लेकिन इसके साउंड फटे हुए हैं तो ये अभी हम चला नहीं सकते हैं। इसकी वीडियो हम बनाएंगे अगले पार्ट में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इसी वीडियो के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।